इस वाटरफॉल में इधर आई थी और वो स्विम कर रही, तो स्विम करने के बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे पानी में डूब गई। और ये इन्होंने विश पुल बनाया हुआ है, कोई विश मांगो कॉइन्स वगैरह डाल के यहाँ पे सेट होके नेपाली कल्चर की तरह फोटो खिंचा सकते हैं खड़े होके। सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है योगेंद्र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोलो जर्नी। और मैं एक और नई डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं दोस्तों। ये है, आप पहले नाम देख लीजिए, डेविस वाटरफॉल। हाँ जी, तो मैं पूछ चुका हूं पोखरा में ही ये एक और डेस्टिनेशन है डेविस वाटरफॉल। चलो चलते हैं, मैं आपको टिकट प्राइस और एक बार डेविस फॉल के बारे में दिखाता हूँ, फिर अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ पे शोर काफ़ी आ रहा है। छह स्कूटी मैंने पार कर दी अपनी, ये देख रहा होगा। सो ये रास्ता है फॉल में जाने का। सो चलते हैं बट काउंटर पे और टिकट का प्राइस कंफर्म करते हैं। पहले वो छोड़ के नहीं जाएगा, वही इधर खड़ा इसलिए। सो ऐसा कुछ एंट्री पॉइंट है और ये इन्होंने एक मैप दिया हुआ है समझने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये वाटरफॉल के बारे में कुछ और डिटेल्स दी हुई है। सो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैंने उस पर विकीपीडिया पे पढ़ा था उसका ये था कि ये डेविड्स नाम की स्विस लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड कह लो या हस्बैंड के साथ इस वाटरफॉल में इधर आई थी और वो स्विम कर रही, तो स्विम करने के बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे पानी में डूब गई। और जिसमें पानी में डूबने की वजह से उसकी बॉडी काफ़ी टाइम बाद इनको मिली थी। आई थिंक उसमें जो टाइम लिखा हुआ है 3 मंथ्स लिखा हुआ कि 3 मंथ्स बाद उसकी बॉडी मिली थी। और इतना लेट बॉडी मिलने के बाद इसके फादर ने इस वाटरफॉल का नाम डेविस वाटरफॉल रखा था। बाकी जो मैं जानता हूँ मैं इसके बारे में इतना ही जानता हूँ। बाकी चलते हैं और वाटरफॉल को देखते हैं एक बार, और आप बताइएगा कैसा लगा आपको वाटरफॉल। एक्चुअली प्रॉब्लम ही हुआ था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको गुड बाय बोल दिया था और उसके बाद मैं स्कूटी की तरफ जा रहा था और सडनली पता नहीं किसी ने उसका ऑयल पाइप काट दिया स्कूटी का, या फिर वो ओवरफ्लो हो गया ऑयल, जिसकी वजह से उसमें से पेट्रोल निकलने लग गया और काफ़ी पेट्रोल वहाँ पे नीचे स्टैंड पे लगी स्कूटी में निकल चुका था, कम से तकरीबन 1.5-2 लीटर। तो फिर मैं उसको लेके मैकेनिक के पास गया और फिर वहाँ पे मैंने उसको रिपेयर करवा के जब मैं वहाँ से निकला हूँ, तो काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो गया। बाकी चलते हैं दोस्तों वाटरफॉल देखते हैं, आप इन्जॉय करो व्यूज़। मैं अगर यहाँ से पूरा व्यू दे देता हूँ आपको, ये रास्ता है एंट्री का, आप देख रहे होंगे। ये जस्ट मैंने अभी एंटर ही किया है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। चलते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में गणेश भगवान शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, देख सकते हैं आप। यहाँ से कुछ व्यू की बात करूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है, बाकी ज़्यादा मज़ा तो नीचे चल के ही आएगा दोस्तों, आपको पता है। सो बगैर किसी देरी के नीचे चलते हैं, नीचे चल के एंजॉयमेंट करते हैं। Yeah, you didn't know.
मैं एक बार इधर से आपको व्यू दिखा देता हूँ। आई होप अच्छा लग रहा होगा ये नज़ारा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ग्रीन भी है वाटरफॉल की वजह से। चलते हैं आगे और आगे चल के एक बार और देख लेते हैं, काफ़ी व्यू पॉइंट है इसके आई थिंक। ऊपर की तरफ और ऊपर देखते हैं ऊपर कैसा नज़ारा है। यहाँ से तो अभी क्राउड हो गया तो लोगों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। सो यहाँ पे शायद हम अच्छे से कर पाए शूट, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अभी कोई है नहीं, तो टूरिस्ट वो सब उस सेकंड पॉइंट पे है। तो देखते हैं इस पॉइंट से क्या दिखता है और कितने अच्छे से हम देख पाते इस पॉइंट को। सो ऐसा कुछ नज़ारा है इधर से। वाटरफॉल अच्छा है बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जैसा पिक्चर में दिखाया हुआ है, फ़ोटो में गूगल पे दिखाया हुआ है, ऐसा है नहीं। मे भी शायद बारिश हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाता है जब, ये दिखने में ऐसा दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े ग्रिल इन्होंने लगाई हुई है कुछ करके। अगर मैं इधर की बात करूं तो काफ़ी गहराई से कटा हुआ है ये पानी की वजह से, काफ़ी पत्थर नीचे तक कटा हुआ है, तो पानी पत्थर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये इतना ही है वाटरफॉल, बाकी इसके पास में से कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। ये ग्रिल लगाया हुआ है जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा। ये आप देख सकते हैं पूरे पे इन्होंने ग्रिल लगाया, और झाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा बड़ा वैसे भी नहीं है ये वाटरफॉल, सो ये रीज़न है इसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बट आई होप आपको अच्छा लगेगा अगर मैं सामने से थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ आपको। और कुछ इसमें मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ कोई और व्यू पॉइंट भी है इसको देखने का। अच्छी अगर कोई ये नीचे चल के देखते हैं, ये वाला व्यू पॉइंट हमने देखा नहीं अभी। हाँ तो ये व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी वाटरफॉल आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। मतलब ये झाड़ियाँ काफ़ी होने की वजह से कुछ दिखेगा नहीं ठीक से, काफ़ी पत्थरों का कटा हुआ है। आई थिंक काफ़ी टाइम पहले इसमें काफ़ी पानी रहा होगा। ये सीन कुछ मुझे उससे ज़्यादा कुछ अच्छा लग रहा है दोस्तों, सब कुछ हरा भरा, पत्थरों पे पूरी पेड़ उग गए हैं, काइया जम गई है ये। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सोलो जर्नी। और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। सो लेट्स सी दोस्तों, चलते हैं बाहर की तरफ, अभी कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे देखने के, और फिर मिलते हैं आपसे आउटसाइड जाके एक बार। व्यू पॉइंट नज़र आ रहा था तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ से।
ये बैग यहाँ रखिए आपका। रेस्ट। सो ये वाटरफॉल, ये वाटरफॉल पूरी सिटी के अंदर बना हुआ है। ये वाटरफॉल बिल्कुल सिटी के अंदर बना हुआ है। सो ये रीज़न है कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिला गया नहीं, छोटा ही है। विश पुल भी इधर है, चलो तो वो एक बार भी विश पुल देख लेते हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है और इसके अंदर। हाँ, एंट्री किया था जब, देखा था एक इधर पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट मुझे पता नहीं क्या है, बट आई थिंक ये भी वाटरफॉल के लिए ही बनाया हुआ था इन्होंने। बट यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आएगा बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा पेड़ होने की वजह से। सो आई थिंक ये इन्होंने विश पुल बनाया हुआ कि इसमें आप, या सिर्फ बैठने के लिए, पता नहीं, ये सिर्फ बैठने के लिए बनाया हुआ है। सो अगर आप इसकी दीवार देख रहे होंगे तो प्रेमियों ने अपने, लैला मजनू ने, सब ने अपने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। सो ऐसा कुछ नज़ारा है। बस ये है यहाँ का वाटरफॉल। आई थिंक आगे कुछ है नहीं, सिर्फ ये बैठने के लिए इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, ये वाटरफॉल। और ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है इधर। चलते हैं दोस्तों दूसरी साइड पे। सो अब विश पुल वो पीछे नहीं, यहाँ पे बनाया हुआ हुआ है इन्होंने, कोई विश मांगो, कॉइन्स वगैरह डाल के कुछ। आईना पण दाखव, विश पुल तो ये इन्होंने विश पुल बनाया हुआ है, आप देख ही चुके हैं। एक अंदर मूर्ति आई थिंक शिव भगवान की है और कॉइंस डाल के विश मांग रहे लोग अपने। सो इसका एक और पॉइंट है ये फोटो जो अब लागू, ये मेरा कांटेक्ट पठाना भा क्या, यहाँ पे सेट होके नेपाली कल्चर की तरह फोटो खिंचा सकते हैं इनमें खड़े होके। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ मैंने पहले कहीं देखा नहीं जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। सो मुझे कुछ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट क्या, इंटरेस्टिंग लगा नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें, विश पुल इधर सेम जो ऑलमोस्ट मैं 2 से 3 जगह देख चुका हूँ, और वाटरफॉल नो डाउट सुंदर था बट छोटा काफ़ी था। पर क्या करें, नेचर है, जैसा भी हो ऐसा ही होगा। उसमें कोई चेंजेस तो कर नहीं सकते, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। हाँ, इन्जॉय किया काफ़ी यहाँ पे। सो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर द न्यू वीडियोज़ और नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको मिल जाए। सो अभी तक के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे। ऑफ रोडिंग आ गई है मेरे लिए, और ये स्कूटी बिल्कुल भी कामयाब नहीं है ऐसी जगह के लिए। कामपोस नाम की ये जगह है। टिकटॉक पे ही ब्रेकफास्ट करते हैं इस प्यारे से नज़ारे का आनंद उठा के।